रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, यू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और जिनको फिजिक्स का पेपर देना है। देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास लेकर आइए। तो मैं लेकर आया हूं एक महा मैराथन क्लास, पूरे 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो है। लेकिन जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा उसका फिजिक्स में 95+ पक्का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ जो इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में आएंगे। देखिये, पूरे फिजिक्स के प्रश्न मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा, ये वीडियो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि आपको है कि 12th फिजिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे फिजिक्स का एक ही वीडियो में मैं लेकर आया हूं, अध्याय 1 से 14 तक जितने भी प्रश्न हैं सबको हम इस वीडियो में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर 100 में, यानी कि सॉरी, अगर फिजिक्स में 95+ लेकर आना है, 95% प्लस, यानी कि 70 में से 65+ लेकर आना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। नींद आती है उसको त्यागो, ठीक है, पानी पियो, भगाओ, क्योंकि अब की बार उठ जाओ, सोना नहीं है और आपको 65+ लाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको वीडियो और आपकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, देखिए चैप्टर्स कौन कौन से होंगे जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सबसे पहले इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है वैद्युत धारा, चौथा है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, छठवां है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि पूरे चैप्टर इसमें मैंने लिए हैं। ठीक है, सातवां है प्रत्यावर्ती धारा, आठवां है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, नौवां है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, दसवां चैप्टर है तरंग प्रकाश की। अभी भी 4 और चैप्टर हैं, उसको भी देख लेते हैं। 11 चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 12 है परमाणु, 13 है नाभिक और लास्ट चैप्टर हमारा है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा, कहीं भी आप देख लेंगे पूरे चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ यहां पर आपको जेन्युइन चीजें बताई जाती है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो अंतिम दिनों में इन प्रश्नों को पढ़कर जाइएगा, यकीन मानिए 95% प्लस लेकर आएंगे, परसेंट की मैं बात कर रहा हूं, 70 में 65+। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर ये क्वेश्चन तो मुझे पता है। देखिए आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। और अभी तो हम 14 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो एक एक को तो हमें पढ़ना होगा, क्योंकि हम पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से हमें नहीं स्टार्ट करेंगे तो क्या तीसरे से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, ये क्वेश्चन अगर आप लोग उठाकर देख लीजिए बुक, कम से कम 4 से 5 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। तो क्या इस बार नहीं आएगा? इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। देखिए, कूलाम का नियम क्या है, कैसे आपको लिखना है, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। तो देखिए, इनका नियम है क्या, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब भले ही आप सभी को, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन पता हो, लेकिन तब भी ध्यान से समझिएगा। देखिए, 2 बिंदु आवेश, एक ये है एक ये है, ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है, कितना है r, इसको हम मान लेते हैं q1, इसको मान लेते हैं q2। तो क्या कहा गया, देखिए, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो दोनों आवेश हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और इनके बीच की जो दूरी आर है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा।
ठीक है, तो कैसे होगा ये भी तो समझना होगा हमें, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझते हैं कि आखिर ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए कूलाम के नियम से सबसे पहले हम देखेंगे कूलाम के नियम से तो कूलाम के नियम से अगर हम लोग देखें तो क्या कहा गया है, देखिए जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या कहा गया है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इनके बीच की जो दूरी है R इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण एक व दो से, देखिए नियम के अनुसार मैंने लिखा है और ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा तो प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है। समीकरण एक व दो से, एक व दो से हम क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ F है तो F को हम ऐसे ही रहने देंगे, यहां पर ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर लगेगा, अब यहां पर हम K लिख देंगे। जब हम चिन्ह को हटाते हैं अनुक्रमानुपाती को तो कोई समानुपाती स्थिरांक हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये K जो है ये एक समानुपाती स्थिरांक है, तो ये हमारा K = K × Q1 Q2/R², ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कूलाम के नियम का। लेकिन देखिए स्टूडेंट जो K यहां पर आपने लिखा है, ठीक है, K क्या है, ये समानुपाती स्थिरांक है, साइड में हम लिख सकते हैं K = क्या है, ये है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक, ये K हमारा समानुपाती स्थिरांक है। अब देखिए K के जगह पर हम 1/4πε0 भी लिखते हैं, अगर आप लोग देखें तो K जो है इसकी जगह पर हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखा जाता है निर्वात में, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 × Q1 Q2/R², ये हो जाएगा कूलाम के नियम का एक्चुअल फॉर्मूला। अब बहुत सारे हमारे बच्चे कहेंगे अरे सर जी यहां पर Q1 क्या है, ये पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश, R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। लेकिन अब कहेंगे स्टूडेंट कि सर इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आ जाएगा तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होगी, ये आप बता दीजिए। तो 1/4πε0 की वैल्यू सबको पता होगा शायद जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो 9 × 10⁻¹, ठीक है। अब बाकी आगे क्या होगा बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें मात्रक भी लिखना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए इसके साथ आप न्यूटन लिख दीजिएगा क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऐसे लिख सकते हैं, अंदर लिखिएगा मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है, ये मात्रक होता है हमारा किसका, ये मात्रक होता है 1/4πε0 का, ठीक है। तो 1/4πε0 = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, बस हो गया। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू भी होती है, आप लिखिए मैं बोल रहा हूं 8.85, यानी कि 8.85 × 10⁻¹² कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है, तो यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कूलाम का नियम और ये होगा आपका फॉर्मूला। तो कूलाम का नियम समझ में आ गया पहला वाला, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बस हो गया। तो ये पहला वाला आप समझ गए होंगे, अभी हमें 14 क्वेश्चन देखने हैं, तो ध्यान से समझिएगा, नींद लग रही भैया पानी वानी लेकर बैठिएगा ताकि नींद ना आए, क्योंकि अगर आज आप सो गए तो फिर आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अब सोने का मौका नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोइए ही नहीं, लेकिन पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़ाई के समय नो डिस्टर्बिंग। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसको मैं अपनी भाषा में अच्छे से बता देता हूं आपको। देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है,
विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा और हमें समझना होगा। तो मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है, देखिए डॉट डॉट में कर रहा हूं येलो कलर से ताकि बहुत ज्यादा हाईलाइट ना हो, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता हमें, स्पर्श होता है, ठीक है, हमें हम इसको महसूस कर सकते हैं, वी कैन रियलाइज, ठीक है। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें देखिए एक पृष्ठ है, ठीक है, क्या है इसमें, एक पृष्ठ रखा हुआ है, ऐसे एक पृष्ठ है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसके अभिलंबवत, देखिए इसमें क्या है डेफिनेशन में कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो इससे अभिलंबवत ऐसे गुजरने वाली, देखिए ये पृष्ठ के अभिलंबवत गुजर रही है, ठीक है, ऐसे, तो ये इसके अभिलंबवत गुजरने वाली, देखिए अभिलंबवत गुजर रही है, ठीक है। तो इन्हीं की संख्या को, इन्हें हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो ये अभिलंबवत जा रही है, तो इन्हीं की संख्या की माप को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे, ठीक है। वहां पर यहां इस पृष्ठ का, ये एक पृष्ठ है, इसका एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं, ठीक है, ये एक छोटा सा अवयव है। अब यहां से देखिए, यहां से इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्या होगा, जो क्षेत्रफल सदिश होगा और जो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको लिख देंगे। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश होगा डी ए वेक्टर, ठीक है, इसको बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश, और यहां पर जो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ई वेक्टर होगी, ठीक है। तो यहां पर एक डेफिनेशन और आप निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश ई वेक्टर और डी ए वेक्टर से गुजरने वाले जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल सदिश ई वेक्टर, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को भी हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा अवयव मैंने इस पृष्ठ का लिया है। तो देखिए ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक पृष्ठ रखा हुआ है, इससे अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इन्हीं की संख्या को हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब अगर इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहें, सॉरी इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं डी फाई ई, देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, तो डी फाई ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, देखिए ये पृष्ठ समाकल इसे बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन देखिए डी फाई ई मैंने क्यों लिखा, क्यों लिखा है बताइए, मैंने इस छोटे से अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला है, इस छोटे से अवयव के लिए, क्योंकि पृष्ठ तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो पृष्ठ बहुत बड़ा है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम लिखें तो हमारा फॉर्मूला दूसरा होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, पूरे सरफेस के लिए, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम निकालेंगे तो डी हट जाएगा, तब हमारा फॉर्मूला होगा फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा, जो ऊपर था वो डी फाई ई था, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स है वो इस छोटे से अवयव के लिए मैंने निकाला था, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर एक चीज और समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहां पर ये क्या है, ये इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, या इसे हम बोल सकते हैं पृष्ठ समाकल, क्या बोल सकते हैं, पृष्ठ समाकल, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर ई वेक्टर क्या है, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डी ए वेक्टर क्या है, डी ए वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 से है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। देखिए किसी वैद्युत विध्रुव की अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी कि आपको अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपके लघु उत्तरीय
उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है और आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए इसको देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन है। ठीक है, तो वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है और ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है। तो देखिए डेरिवेशन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर डेरिवेशन नहीं बताते, तो चलिए आज बता ही देते हैं। बहुत सारे डेरिवेशन अभी हम बताएंगे वीडियो में। ठीक है, तो देखिए किसी वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अब हमारे बहुत सारे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो क्या कहेंगे, अरे सर जी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो देखिए विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो बराबर, जैसे ये आपका है, ठीक है, दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश। ठीक है, एक को मान लीजिए आप माइनस क्यू, एक को मान लीजिए आप प्लस क्यू। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 2L, दोनों के बीच की दूरी है 2L। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि कम दूरी पर स्थित दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो देखिए यहां पर 2L दूरी पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, ये दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू आवेश है, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव जो है वो AB है। ठीक है, आवेश तो माइनस क्यू प्लस क्यू है लेकिन ये ए बी है। अब हमें निकालना क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। अब मान लीजिए इसका जो मध्य बिंदु है, ये मिडिल पॉइंट सेंटर पॉइंट, वो ओ है। ठीक है, अब इससे आर मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, ये देखिए इस बिंदु का नाम है पी, और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, जब यहां पर ए और बी के बीच की दूरी 2L है, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु ओ है, तो बताइए माइनस क्यू से ओ के बीच की दूरी कितनी होगी, एल होगी। ठीक है, कितनी होगी, एल। और यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, ये ओ से प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी, एल होगी, क्योंकि पूरी दूरी 2L है, तो माइनस क्यू से ओ के बीच की दूरी देखिए L और L में इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा है। ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखिए एक चीज और देखिए, ये बिंदु O से R मीटर की दूरी पर ये स्थित बिंदु P है, इसी पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर एक काम और कीजिए, क्योंकि हमें कूलाम का नियम लगाना है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी, बताइए आप लोग। तो देखिए O से P के बीच की दूरी R है, ठीक है, और प्लस क्यू से O के बीच की दूरी L है, तो बताइए प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आर में से एल को आप घटा दीजिए, तो आपका ओ माइनस प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल। ठीक है, ये आपका हो गया प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी, क्योंकि यहां देखिए ध्यान दीजिए ओ से पी के बीच की दूरी आर है, अब प्लस क्यू से ओ के बीच की दूरी एल है, तो जब तक हम आर में से एल को नहीं घटाएंगे तब तक ये प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी नहीं आएगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये भी जानना जरूरी है। तो ये क्या होगा, देखिए यहां पर देखिए पी से ओ के बीच की दूरी आर है, ठीक है, और ओ से माइनस क्यू के बीच की दूरी एल है, तो जब तक हम आर और एल को जोड़ेंगे नहीं तब तक यहां से यहां की दूरी नहीं आएगी, तो आर को एल से जोड़ देंगे तो पी से प्लस क्यू की माइनस क्यू के बीच की दूरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब आप लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, मान लीजिए जहां ये रखा है वैद्युत द्विध्रुव, इसका परावैद्युतांक के है, ठीक है, वाले माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है। देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ए बी रखा है, द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम आवेशों से बना है। देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेश से बना है और इनके बीच की दूरी 2L है। अब देखिए इनका मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें अगर निकालना है तो क्या करेंगे, हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर हम परिणामी विभव निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत
विभव, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा बताइए, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू, चूंकि यहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों से निकाला तो इसको बी वन मान लेंगे, ठीक है। तो बी वन इक्वल टू माना हो जाएगा 1/4πε0k, ठीक है, क्योंकि परावैद्युतांक k है तो k लिख देंगे, ठीक है, k इंटू q अपान r होता है। लेकिन देखिए यहां पर जो माइनस प्लस q से p के बीच की दूरी है वो r माइनस l है, ठीक है। तो यहां पर हम इसके जगह पर दूरी के जगह पर लिख देंगे r माइनस l, ठीक है। ऐसे हम दूसरे के लिए निकालेंगे माइनस q आवेश के कारण, सेम टू सेम, तो माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, या विभव लिख देंगे बिंदु P पर विभव। तो इसको हम लोग मान लेंगे V2, क्या मान लेंगे V2। अब देखिए माइनस क्यू आवेश है तो यहां पर सेम फॉर्मूला होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, 1/4πε0k इंटू, देखिए क्यू है यहां पर, यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो माइनस क्यू लिख देंगे यहां पर, अपान आर माइनस एल है, चूंकि देखिए माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी आर प्लस एल है तो यहां पर हम लिख देंगे आर प्लस एल, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या निकालेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। अतः जो आपका बिंदु P है, देखिए यहां पर ऊपर देखिए ये जो बिंदु P है इस पर हम परिणामी विभव निकालेंगे, ठीक है। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, अगर परिणामी विभव निकालना तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि आप V1 और V2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो परिणामी विभव आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो V इक्वल टू हम ऐड करेंगे दोनों को तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए V1 की वैल्यू कितनी है ऊपर दी गई है ये देखिए, और V2 की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। तो V1 की वैल्यू हम रखते हैं 1/4πε0k इंटू q/r-l, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे ऐसे और इसको लिखेंगे, देखिए इसको मैं ब्रेकेट में लिखूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस में है तो इस माइनस को मैं आगे भी ला सकता हूं, तो ये हो सकता है -1/4πε0k इंटू q/r+l, ठीक है, ऐसे इसको लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो यहां पर हमारा हो जाएगा v इक्वल टू देखिए इसको लिखेंगे 1/4πε0k इंटू q/r-l, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। और यहां पर प्लस माइनस जो होगा ये माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1/4πε0k इंटू q/r+l, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें कॉमन लेना होगा, तो इसको मैं थोड़ा आगे करता हूं और यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू, देखिए 1/4πε0k, देखिए दोनों में क्यू भी है तो क्यू लिखेंगे, अपान 4πε0k, ये हमारा कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है। अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर बचेगा हमारा 1/r-l और -1/r+l, ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ बचेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए q/4πε0k इंटू, देखिए 1/r-l r प्लस एल हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो r-l इंटू r+l, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब देखिए r-l से r-l कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे ब्रेकर में भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीके? तो ये हमारा ऊपर बचेगा r+l और माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा r-l, ऐसे ब्रेकर में हम लिख सकते हैं या फिर सिंपल लिख दें, ब्रेकर में लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, तो ब्रेकर में लिख देंगे r-l, ठीक है, ऐसे हमने कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, q/4πε0k q/4πε0k, ठीक है, इंटू, देखिए r+l
माइनस। अब देखिए माइनस है अगर बाहर तो किसी ब्रेकर के सामने अगर माइनस होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा R प्लस एल, ऐसे हो जाएगा अपान R माइनस एल इंटू R प्लस एल क्या होता है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही, बताइए A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू क्या होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे यहां पर भी है R माइनस एल इंटू R प्लस एल इक्वल टू होगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया, यहां से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा देखिए क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा टू एल, एल और एल जुड़ जाएगा टू एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक काम करेंगे हम, देखिए वी इक्वल टू हमारा हो जाएगा वी इक्वल टू, ठीक है क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है तो क्यू इंटू टू एल इसको लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू टू एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक चीज हमें पता है, मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है पी, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू टू एल, ये चीज आप याद रखिएगा और सभी को पता भी है पी इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, तो ये हम क्यू इंटू टू एल की जगह पर पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी इक्वल टू हमारा हो जाएगा देखिए वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन देखिए अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें ये पता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर देखिए थोड़ा सा, देखिए मैं यहां पर पहले लिख दूं थोड़ा सा, ठीक है, यदि देखिए यदि यल का मान, यल का मान आर की अपेक्षा, आर की अपेक्षा बहुत कम हो, बहुत कम हो तो देखिए यदि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम है तो हम लिख सकते हैं यल जो है इज ग्रेटर देन, ठीक है, यल इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन आर, यानी कि आर जो है यल से बहुत बड़ा है, तो हम यहां पर एल इक्वल टू जीरो भी मान सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे बड़ा है, तो चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं, ठीक है, यहां पर आइए थोड़ा सा देखिए कैसे बड़ा है, देखिए ये R की वैल्यू O से P के बीच की दूरी R है और O से माइनस प्लस Q के बीच की दूरी L है, तो देखिए R की अपेक्षा L का मान बहुत छोटा है, यानी कि R का मान बहुत बड़ा होगा, तो यहां पर मैंने R जो है बहुत ज्यादा बड़ा है L से, तो L इक्वल टू हम जीरो लिख सकते हैं, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए एल की जगह पर जीरो लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपान आर स्क्वायर, ठीक है, बोल्ट अगर आप लोग चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं आंसर, यही हो जाएगा अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव, लेकिन यहां पर एक लाइन आप और लिख सकते हैं क्योंकि निर्वात या वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए अगर देखा जाए, अथवा वायु के लिए, वायु के लिए, ठीक है, तो निर्वात या वायु के लिए हम क्या लिखते हैं, के की वैल्यू एक लेते हैं, तो के की वैल्यू एक रख देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल पलट जाएगा, ये हो जाएगा V इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू मैंने एक रख दिया इंटू पी अपान आर स्क्वायर बोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला, ठीक है, V का मात्रक वोल्ट होता है, तो इस प्रकार से आप किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला डेरिवेशन, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए स्टूडेंट हमारा चौथा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी एक डेरिवेशन है, अभी मैंने अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला कराया, अब आता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, तो देखिए निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो जीरो होता है, शून्य होता है, तो आखिर कैसे होता है ये भी प्रूफ करना हमें आना चाहिए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन, नींद लगे तो पानी पी लीजिएगा क्योंकि नींद को भगाना है और हमें टॉपर बन के रहना है, तो देखिए सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है, यानी कि आपको बताना है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है, आखिर कैसे
इसको प्रूफ करिए, ठीक है। तो ये भी उसी तरह रहेगा स्टूडेंट, कुछ भी इसमें नहीं है, बस इसमें जैसे उसमें आपने अच्छी स्थिति में निकाला था, इसमें आपको निरक्षीय स्थिति में निकालना है। तो इसमें भी एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, चलिए लेते हैं और इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है, ये है और ए है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, मैंने आपको पहले ही बताया, इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो टोटल दूरी जो होगी वो 2L होगी। थोड़ा नीचे मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, ये टोटल दूरी 2L होगी। ये मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है, ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए बी आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये मध्य बिंदु आपका ओ है, ठीक है। अब यहां पर माइनस क्यू से मध्य बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, एल होगी, उसी तरह। और यहां पर ये मध्य बिंदु ओ है, ध्यान रखिएगा, ओ लिख दीजिएगा, और यहां से यहां तक की दूरी भी एल होगी, ठीक है। अब देखिए वहां पर अच्छी स्थिति था तो हमने साइड में निकाला था, यहां पर इसकी निरक्षीय स्थिति है तो देखिए ऊपर की तरफ, ये देखिए यहां पर एक बिंदु स्थित है, इस बिंदु का नाम है पी, बिंदु पी, इसी पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो इसको हम ऐसे एक ट्राइंगल की तरह बना देंगे, देखिए इसको यहां मिला देंगे और इसको हम यहां मिला देंगे, ऐसे मैंने मिला दिया। आपको पटरी से करना, ऐसा नहीं कि हाथ से ही कर दें जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब ये ओ से पी के बीच की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी जो है वो आर है, मैंने पहले भी बताया था, उसमें भी आर था, इसमें भी आर ही रहेगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं इसमें भी, ठीक है, कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है, ए बी के लंब वर्धक रेखा पर द्विध्रुव ओ से, माना कि इसका मध्य बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ से पी के बीच की दूरी, ठीक है, इस बिंदु ओ से लंब अर्धक रेखा पर एक द्विध्रुव से मध्य बिंदु ओ से पी के बीच की दूरी आर है, ठीक है। यहां पर एक बिंदु पी स्थित है, इसी पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु पी वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थित है, इसी पर हमें विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम एक एक त्रिभुज लेंगे, जैसे यहां पर दो त्रिभुज बन रहे, एक ये बन रहा है और एक इधर से ये बन रहा है, ठीक है। तो एक हम ले लेंगे त्रिभुज पी ओ ए, पी ओ ए, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए में, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो आपका है ये लंबवर्धक है, तो यहां पर पी ओ ए एक त्रिभुज बनना है, एक बनना है पी ओ बी, दो बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पी ओ ए में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी यहां पर हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय तो आपने पढ़ा होगा, क्या होता है बताइए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, थोड़ा ब्लू पेन यूज कर देते ताकि अच्छा लगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यही फॉर्मूला हम लिख देंगे, देखिए कर्ण क्या है, ध्यान दीजिए, कर्ण तो आपको पता ही होगा क्या होगा, देखिए कर्ण आपका होगा यहां पर पी ए, देखिए ये पी और ए आपका कर्ण होगा, तो यहां पर इसके जगह पर लिख देंगे पी ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, देखिए लंब आपका क्या है, लंब ये है, ठीक है, पी ओ, तो यहां पर कर देंगे पी ओ स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है, ये देखिए ए ओ, ठीक है, तो ए ओ स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम कर देंगे। अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे पी ए, तो आपका ऐसे ही रहेगा, तो यहां पर पी ए को हम पी ए स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है, इक्वल टू पी ओ की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए पी ओ की वैल्यू है आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए यहां पर पी ए की वैल्यू भी दी गई है एल, देखिए सॉरी ओ, ए ओ की वैल्यू भी दी गई है, तो यहां पर हो जाएगा एल स्क्वायर, तो हमारा पी ए स्क्वायर इक्वल टू आया एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से हम पी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, पी ए निकाल लेते हैं, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, सभी को पता है, तो यहां पर अंडर रूट लग गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। अब हम बता सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहां से पी से ए के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों सेम ही है, ये लंबार्धक है तो ये दोनों सेम होंगे, तो पी ए इक्वल टू पी बी हम लिख सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है, इक्वल टू जो इनके बीच की दूरी होगी वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगी। देखिए दोनों को निकाल लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, ये पी ए और पी बी दोनों के बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी, आप यहां पर लिख भी सकते हैं ऐसे, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। ऐसे इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से आप लिखिएगा। तो ये हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। इनके बीच की दूरी हमें पता चल गई है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ऐसे अब हम निकाल लेंगे जैसे उसमें हमने निकाला था, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी वन इक्वल टू हमारा हो जाएगा जैसे उसमें हमने किया था, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान, देखिए आर स्क्वायर, यहां पर इनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी की जगह पर लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी पर या बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत विभव, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण भी निकाल लेंगे वैसे जैसे उसमें निकाला था, ठीक है। तो वैद्युत, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सेम वही प्रोसेस V2 यहां पर लिख देंगे, V2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू लिख देंगे यहां पर, माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दूरी दोनों की सेम है। देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण भी जब आप निकालेंगे तो भी वही दूरी आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, बस हो गया। अब देखिए हम परिणामी विभव यहां पर निकाल लेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि इनका विभव जीरो आएगा अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे परिणामी विभव, ठीक है, अतः अतः बिंदु पी पर, बिंदु पी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। अब इसमें परिणामी विभव निकालना है तो B इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमने फॉर्मूला आपको बताया था V1 प्लस V2, V इक्वल टू हम लिखेंगे V1 प्लस V2। यहां से V इक्वल टू हम निकाल लेंगे, देखिए V1 की वैल्यू हमें ऊपर पता है, ये देखिए लिखा है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये देखिए, ठीक है, और V2 की वैल्यू भी पता है, बस माइनस का फर्क है। तो यहां पर लिखेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखेंगे यहां पर, प्लस लगाएंगे, देखिए इसको ब्रेकट में लिखेंगे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे 1 अपान 4 पाई v2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, इसको माइनस आगे ले आते हैं क्योंकि देखिए यहां पर इसमें माइनस है, देखिए माइनस क्यों है, तो इसको आगे कर देंगे इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा v इक्वल टू, देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस आ गया है, ठीक है, तो यहां पर भी हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड सेम है, आप खुद ही देख लीजिए, इधर भी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इधर भी सेम है, तो सेम में से सेम जाएगा, जब दो में से दो घटेगा तो कितना आएगा बच्चों, यहां पर जीरो आ जाएगा, जीरो, और हम बन गए हीरो, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो जीरो होता है, और यही हमें ऊपर प्रूव करना था। देखिए यहां पर क्या लिखा था, सिद्ध कीजिए कि निरक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है, तो इस प्रकार से हमने जीरो कर दिया। समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ये भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एक न्यूमेरिकल है। देखिए हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और हम न्यूमेरिकल्स को ना पढ़ें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि एक परिपथ है, इसमें आपको स्थितिज ऊर्जा यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इस परिपथ में देखिए क्या है, तीन प्रतिरोध लगे हैं, एक है दो ओम का, एक है तीन ओम का, एक है पांच ओम का, ठीक है। इसमें एक संधारित्र भी है दो माइक्रोफेरड का, और इसमें धारा जो है वो दो एम्पियर की बह रही है। इतनी चीजें पहले आपको यहां पर समझना है, ठीक है।
पहले हम जो जो दिया गया उसको लिखते हैं। देखिए हमें धारा दी गई है, कितना दिया गया है 2 एम्पियर, कितना दिया गया है 2 एम्पियर। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, धारिता दी गई है C, कितना दिया गया 2 माइक्रो फैरड, कितना है ये 2 माइक्रो फैरड। इसको पहले फैरड में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा C इक्वल टू 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ फैरड। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए इसमें हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, एक है R1, एक है R2 और एक है R3। ठीक है, 3 प्रतिरोध हमें दिए गए हैं, पहले को मान लीजिए 2 ओम, तीसरे को मान लीजिए 3 ओम, और दूसरे को मान लीजिए 3 ओम, तीसरे को मान लीजिए 5 ओम। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या निकालना होगा, देखिए आई तो हमें पता है, सी भी पता है। अब जो यू का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू इक्वल टू 1/2 CV2। अब देखिए सी तो हमें पता है पर वी नहीं पता है, तो वी कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए इसका ये वाला इधर से जुड़ा है, ये वाला इधर, ठीक है, तो ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे R1, R2 तथा R3, तथा R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। तीनों को हम जोड़ देंगे, R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 3, R3 की वैल्यू है 5, तो दोनों तीनों को जोड़ देंगे तो R = हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 10, ये आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए हम यहां से V निकाल लेंगे, विभवांतर, क्योंकि हमें पता है विभवांतर कैसे निकालेंगे। तो संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो विभवांतर का एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वो होता है V = IR। ओम के नियम को तो सभी ने पढ़ा होगा, तो यहीं से हम इसको निकाल लेंगे, V = IR। तो V हमारा कितना है, I कितना है ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा, 2 एम्पियर, R अभी हमने निकाला है 10 ओम, तो यहां पर रख देंगे 2 × 10। ठीक है, तो V = हमारा कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा V आ गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, U = 1/2 CV2। C हमें ऊपर दिया गया है 2 × 10⁻⁶, B हमें पता ही अभी हमने निकाला है, अब हम स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, ठीक है, तो ये हम निकालेंगे, U = फॉर्मूला लगेगा यहां पर 1/2 CV2, यहां पर लगाएंगे 1/2 CV2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे नोट डाउन कर दीजिएगा, इसको साइड में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा U = 1/2 C की वैल्यू हमें पता है ऊपर दिया गया था 2 × 10⁻⁶, और V की वैल्यू पता है 20। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां से हम U = क्या लिख सकते हैं, U = देखिए ये हमारा कितना है, V² है, V का स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 × 10⁻⁶। ठीक है, इतना ये आ गया, लेकिन अभी थोड़ा इसको और हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करने के लिए U = करेंगे, देखिए 400 को हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए आप लोग, 400 को हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁶। ठीक है, बस सॉल्व कर लिया हमने, U = हमारा क्या आ गया, देखिए 4 × 10⁻⁶ है, ये 2 है, तो 6 में से 2 जाएगा, तो 10⁻⁴, यू का मात्रक क्या होगा, यू का मात्रक हो जाएगा जूल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, बस यही हमारा आंसर हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संधारित्र में संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। पहले आपको क्या करना था, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना था, हमने फॉर्मूला लगाया, हमें आर पता चल गया, फिर हमने वी निकाल लिया, वी भी पता चल गया, फिर हमने फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया U = 4 × 10⁻⁴ जूल, बस हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, वो जो क्वेश्चन है वो हमारे दूसरे चैप्टर का था, अब हम देखेंगे अपने तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमें पूरे 8 चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो तीसरा चैप्टर क्या है देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एमसीएससी पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र बताइए, यानी कि धारा घनत्व क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसमें कुछ है नहीं, परिभाषा पढ़ दीजिए। देखिए, किसी चालक के में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, यानी कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा ये समझिए, धारा घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला होगा धारा घनत्व, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जे से, स्मॉल जे से याद रखिएगा, तो जे इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आई अपान ए, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा धारा घनत्व का, ठीक है। क्योंकि बताया गया है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल ए से अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा आई होती है, इसी के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं, बस हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक तो सबको पता ही होगा, अब और ज्यादा पता हो गया होगा, क्यों, क्योंकि मात्रक निकालने में कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए आई का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होगा, सभी को पता है। प्रति ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, बस हो गया, ठीक है। इसका इसकी बीमा भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है, बीमा, क्योंकि आई की बीमा और ए की बीमा लिखेंगे आपका आ जाएगा, तो इसकी बीमा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एम जीरो एल के पावर माइनस टू, टी के पावर जीरो, ए के पावर वन, ठीक है, ये इसकी बीमा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये भी जानना जरूरी है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। जे इक्वल टू होता है फॉर्मूला आई अपान ए, क्या होता है आई अपान ए, तो आई की बीमा कितनी होती है, आई की बीमा होती है ए, ठीक है, और ए की बीमा कितनी होती है एल के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ए है मीटर स्क्वायर, आप इससे निकाल सकते हैं ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर इसकी बीमा हो जाएगी ए आपका ऐसे ही रहेगा ऊपर, और ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा एल के पावर माइनस टू, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एल माइनस टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा शुद्ध लिखेंगे तो एम जीरो एल माइनस टू, टी के पावर जीरो, ए के पावर माइनस, ए के पावर वन, बस ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बीमा हो जाएगी धारा घनत्व का, तो धारा घनत्व में कुछ नहीं था, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आपको समझना है। देखिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी कि एकांक आवेश को, किसी एक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब मान लीजिए यदि किसी परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित करने पर सेल को डब्लू कार्य करना पड़े तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल को हम लोग डिनोट करते हैं ई से, ठीक है, ई इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा डब्लू अपान क्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा सेल के विद्युत वाहक बल का। यानी कि आपसे कहा गया था कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, तो इसको इसमें जो आवेश है, ठीक है, इस आवेश को प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा ऊर्जा डब्ल्यू दी जाती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल। अब यदि किसी परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित करने पर सेल को डब्ल्यू कार्य करना पड़े तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, और जितने भी विद्युत वाहक बल हो, जैसे विद्युत वाहक बल या विभव जो होते हैं इनका मात्रक क्या होता है, सेम ही होता है, दोनों का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, जैसे इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट ही होगा, इसका भी मात्रक होगा वोल्ट, ठीक है, तो इसको लिख देंगे वोल्ट, या एक और इसका मात्रक लिख सकते हैं, या देखिए इसको हम जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है, तो इसको हम जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो दो दो इसके यूनिट्स होंगे, या तो आप लिखिए वोल्ट या तो फिर लिखिए जूल प्रति कूलाम, ठीक है, दोनों सेम ही हैं, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल। ये भी आपके थर्ड चैप्टर से ही है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारे चैप्टर 3 से ही है। देखिए क्या है, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व जे, अनुगमन वेग बीडी और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन तथा मूल आवेश ई में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या करना है आपको, आई इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, ठीक है, इसमें आपको रिलेशन बताना है कि इनमें कैसा संबंध होता है और इसको कैसे हम प्रूव करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व जे, अनुगमन वेग बी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी का मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन तथा मूल आवेश ई में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो एक चालक सबसे पहले हम ले लेते हैं क्योंकि चालक में हमें करना है, चालक क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से हो सके। ठीक है, तो एक चालक हम ले लेंगे ऐसे, कुछ इस प्रकार से, चालक में हम कुछ भी ले सकते हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो जाए उसको हम चालक बोलेंगे, तो ये आपका चालक है। ठीक है, इसके दो सिरे हैं, एक आपका मान लीजिए ये पी है, एक आपका ये क्यू है। ठीक है, अब इस चालक में, चालक को जो है एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। देखिए ये आपका बैटरी है यहां पर ये, ठीक है, इस प्रकार की कुछ बैटरी है, इससे हमने इस चालक को ऐसे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये चालक जो बैटरी होगा इसके दो टर्मिनल्स होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, तो इस बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। अब देखिए जो चालक की लंबाई है, टोटल लंबाई वो एल है, यानी कि जो लंबाई है पूरे चालक का कोई ना कोई लेंथ होगा वो L है, जो इसका एरिया है पूरे चालक का वो A है क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं इस चालक को, तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे ऐसे, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो है इस चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये उत्पन्न हो गई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक वेग से गति करने लगेंगे क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रॉनों का जो गति करने की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है तो जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वो इस दिशा में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी इसका जो वेग होगा वो बी डी हो जाएगा, यानी कि बी डी वेग से ये गति करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो चालक में जब हम इसको तार से या किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो एक नियत वेग से गति करने लगते हैं जिसको हम लोग अपवाह वेग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक हमने चालक लिया जिसकी लंबाई एल थी, इसके दो सिरे हैं पी और क्यू। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी है, ये आपकी बैटरी है। ठीक है, जैसे हमने बैटरी से जोड़ा तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले उत्पन्न हो जाएगी और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नियत वेग से गति करने लगेंगे जो कि है VD और इस पूरे चालक का क्षेत्रफल A है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या निकाल लेंगे, देखिए यहां पर हम निकालेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों को क्यू से पी, देखिए जो क्यू सिरा है इस क्यू से पी, ठीक है, क्यू से पी तक आने में लगा समय, क्यू से पी तक आने में लगा समय। तो देखिए समय इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय इक्वल टू आपका हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो देखिए इसकी दूरी कितनी है, एल है, देखिए पूरे चालक की लंबाई L है, एक किस वेग से गति कर रहा है, चाल कितना है इसका, VD है, तो इसका जो समय होगा वो L अपान VD हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि समय इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो पूरे चालक की जो लंबाई है L है इसको दूरी मानेंगे और जो इसमें वेग है वो VD है, तो L अपान VD हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर एक चीज और लिख लेंगे, चालक का आयतन। ठीक है, तो चालक का आयतन कितना होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चालक का जो आयतन होगा उसको हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां पर जो इसकी लंबाई है जो इसका एरिया है, ठीक है, आयतन बराबर जो क्षेत्रफल और जो इसकी लंबाई है इसका हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आयतन निकल आएगा, पूरा एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो ए इंटू एल इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब हम एक और लिखेंगे, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है,
चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो है एन। यानी कि इसमें जो जो चालक है इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो एन होगी। एकांक आयतन में मैं बात कर रहा हूं, पूरे चालक का आयतन ए एल है, तो चालक के ए एल आयतन में कितना होगा, यहां पर लिखेंगे चालक के एकांक की जगह पर ए एल कर देंगे, ए एल आयतन में, ठीक है, ए एल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, एन का ए एल से गुणा हो जाएगा, तो एन ए एल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां से हम आवेश निकाल लेंगे, ठीक है, टी समय में जो आवेश प्रवाहित होंगे चालक में, तो टी समय में प्रवाहित आवेश, तो आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है, तो आवेश हो जाएगा आपका क्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, देखिए क्यू इक्वल टू मैंने आपको बताया था एन ई होता है, तो यहां पर जो एन है उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, एन ए एल, क्योंकि पूरे चालक के ए एल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एन ए एल है, तो यहां पर हम एन ए एल लिख देंगे, ठीक है, एन ए एल। अब क्यू इक्वल टू एन ई होता है, तो एल के जगह पर एन ए एल हमने लिख दिया, तो ई ऐसे साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमें क्यू भी पता चल गया। अब यहां से हम वैद्युत धारा आसानी से निकाल सकते हैं, टी समय में प्रवाहित वैद्युत धारा, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अतः टी समय में प्रवाहित वैद्युत धारा, ठीक है, धारा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, धारा इज इक्वल टू आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी हो जाएगा। अब इसी पर हम रख देंगे, देखिए यहां से हम आई आसानी से निकालेंगे, देखिए क्यू के जगह पर क्या रखेंगे, एन ए एल इंटू ई, ठीक है, और टी के जगह पर क्या रखेंगे, देखिए समय क्या था ऊपर, देखिए यहां पर टी इक्वल टू एल अपान वी डी, क्योंकि मैंने बताया था जो समय होगा वो दूरी बटा सब चाल, ठीक है, तो एल अपान वी डी हो जाएगा। तो यहां पर हम दोनों की वैल्यू रखेंगे, टी क्यू के जगह पर दूसरा रखेंगे, क्यू के जगह पर हम रखेंगे एन ए एल, और टी के जगह पर रखेंगे एल अपान वी डी, क्योंकि इन सबको हमने इसी डेरिवेशन में प्रूफ किया है, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो लिखेंगे यहां पर I इज्कल टू देखिए यहां पर हमारा हो जाएगा Q के जगह पर लिखेंगे NaL into E, ठीक है, अपान T के जगह पर लिखेंगे L अपान VD, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, हमारा जो रिलेशन है वो आ जाएगा, तो I इज्कल टू हो जाएगा, देखिए सबसे ऊपर का सबसे नीचे गुणा होगा, क्योंकि देखिए NaL into E के नीचे एक मान सकते हैं हम, तो सबसे ऊपर का सबसे नीचे होगा, तो ये हमारा हो जाएगा NaL into E और इनटू देखिए वीडी आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा एल, क्या बचेगा एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहां पर, आई इक्वल टू बचेगा एन ए ई वी डी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू भी लिख सकते हैं हम लोग एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, और यही हमारा रिलेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यहां से वी डी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे, आई के नीचे बाकी सबको ले आएंगे, आई अपान एन ई ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें आपका देखिए सब में संबंध आ गया, धारा घनत्व जे में भी हम संबंध यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आई इक्वल टू एन ई ए वी डी हो गया, तो यहां पर हमारा धारा और अपवाह वेग में संबंध आ गया। मान लीजिए आपको यहां पर धारा घनत्व तो और वीडी में संबंध निकालना है, तो क्या करेंगे, अब देखिए चूंकि हमें पता है जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू आई अपान ए होता है, आई अपान ए, ठीक है। अब यहां से हमें आई की वैल्यू पता चल गई है, ऊपर देखिए एन ई ए वी डी, ये आई की वैल्यू है, और ए आपका ऐसे ही रहेगा, तो ए से ए कैंसिल जब कर देंगे तो हमारा जे इक्वल टू भी आ जाएगा, ठीक है, धारा घनत्व में भी संबंध आ जाएगा, तो जे इक्वल टू हमारा आ जाएगा एन ई वी डी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कोई पूछे धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध, तो आप जे इक्वल टू एन ई वी डी लिखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि धारा और अपवाह वेग में संबंध, तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहां पर n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
ई है मूल आवेश, वी डी क्या है अपवाह वेग है, जे है धारा घनत्व। ठीक है, और यही हमसे ऊपर पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन को समझिए, पूछा गया था आपसे कि किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व जे, अनुगमन वेग वी डी, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एम तथा मूल आवेश ई में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो हमने यहां पर इसको कर दिया है। हमारा जो आंसर आया वो जे इक्वल टू आया है एल ई वी डी। ठीक है, ये आपका हो चुका है। तो ये आपका था 8 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये आपके चैप्टर 4 से है जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है, और ये डेरिवेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, ये सारे डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। तो देखिए आपको एक धारावाही कुंडली लेना है, ठीक है, और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुंडली को बना लेते हैं। देखिए थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, यहाँ पर आप लोग और अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से कुंडली रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा कुछ। ठीक है, तो इसको हम डबल रेल कर देंगे क्योंकि ये धारावाही कुंडली है। ठीक है, ये देखिए ऐसे इसको कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस कुंडली का जो सेंटर पॉइंट है, ये देखिए इसका जो केंद्र है ओ, इसको ओ मान लेंगे, इसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बी। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब मान लीजिए इसके केंद्र तक की दूरी जो है ए है। ठीक है, यहां से बिंदु ओ से, इसकी कुंडली से बिंदु ओ के बीच की दूरी मान लीजिए ए है। ठीक है, तो इसको कैसे निगमित करेंगे? देखिए कुंडली कुछ और नहीं, ये एक तार ही है, इस तार को थोड़ा मोड़ दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो धारा है वो आई निरंतर बह रही है। देखिए धारा जा रही है, ठीक है, तो ये आई जो धारा है ये निरंतर इसमें बह रही है। तो आप लोग लिख सकते हैं, माना कि एक तार ए त्रिज्या वाली, ठीक है, ए त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर उसमें आई प्रबलता की धारा, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। यानी कि एक तार को जिसकी त्रिज्या, इसको हमने मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बना दिया है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है ए है, अब इसमें जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए पहले हम पूरे कुंडली के लिए हम निकालेंगे नहीं, ठीक है, पूरे कुंडली के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालेंगे, इसका एक अवयव ले लेंगे, एक छोटा सा अवयव। देखिए हमने इसको ले लिया है, एक छोटा सा अवयव इस पूरे कुंडली का ले लिया है। ठीक है, अब इस पर हम पहले निकालेंगे, यानी कि अल्पांश, इसका छोटा सा अवयव हमने ले लिया है, तो अल्पांश डीएल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालेंगे। ठीक है, ये अवयव आपका है, इसकी जो, ये मान लीजिए डीएल है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो डी एल है। तो यहां पर लिखेंगे हम अल्पांश, अल्पांश आप ऊपर लिख सकते हैं जो मैंने बताया, आप लिख लीजिएगा, माना कि एक तार ए त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर उसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही है, हमें इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे अल्पांश डी एल के कारण, के कारण बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर, यानी कि इस अल्पांश डीएल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालेंगे। ठीक है, तो बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो अल्पांश डीएल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए हम छोटे से अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे डीबी। ठीक है, डीबी लिख देंगे, तो डीबी का एक फॉर्मूला हो जाएगा, वो क्या होगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई बायो सेवर्ट के नियम में आपने पढ़ा, आई इंटू डी एल साइन थीटा, साइन थीटा अपान ए स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर होता है लेकिन यहां पर ए स्क्वायर लिखना है क्योंकि इसकी त्रिज्या ए है। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब इसको थोड़ा सा हम सही करेंगे, पहले देखिए यहां पर डी बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, तो ऐसे ही रहेगा, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, इंटू आई डी एल साइन थीटा, तो यहां पर आई डी एल लिख देंगे, साइन थीटा के जगह पर देखिए यहां पर साइन 90 डिग्री रख देंगे, थीटा की जगह पर 90 डिग्री, क्योंकि देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसके लंबवत होगा। ठीक है, तो ये अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और शुद्ध करके अगर हम लिखें तो डी बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आई डी एल अपान ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
फर्स्ट, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। देखिए अभी हमने छोटे से अवयव के लिए, अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे पूरे क्षेत्रफल के लिए, ठीक है, पूरे कुंडली के लिए। तो यहां पर लिखेंगे अब हम लोग कि अब कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर, के केंद्र पर परिणामी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा इसको समझिए, ठीक है। तो देखिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा, सिग्मा डी बी, यानी कि जो डी बी हमने निकाला था अल्पांश, अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र, उसका सिग्मा कर देंगे। सिग्मा का मतलब क्या होगा, पूरे कुंडली के लिए। अभी तो हमने छोटे से अवयव का निकाला था, हमने सिग्मा लगा दिया, यानी कि पूरे कुंडली के लिए अब हम इसको निकाल रहे हैं, पूरे कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर इसको ऐसे लिख देंगे, तो यहां पर बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बी इक्वल टू देखिए यहां पर सिग्मा आपका ऐसे ही रहेगा। अब डी बी के स्थान पर ये वाला वैल्यू रख देंगे, म्यू नॉट अपान फोर पाई इंटू आईडीएल अपान ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमने रख दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए म्यू नॉट अपान फोर पाई ये आपका नियतांक है, इसका हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, म्यू नॉट अपान फोर पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर को हम बाहर कर देंगे। अब देखिए डी एल हमारा है, यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल है, इसका हम सिग्मा कर देंगे, ठीक है। तो डी एल के लिए हम इसको निकाल लेंगे, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए यहां पर जो आपका ये सिग्मा डी एल है, सिग्मा डी एल है, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे टू पाई ए, ठीक है, टू पाई ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लूप पर, लूप की पूरी परिधि की लंबाई है, पूरी परिधि की लंबाई, ठीक है। जो डीएल था वो केवल आपका अल्पांश के लिए था, लेकिन ये सिग्मा जो डीएल आ गया, ये पूरे परिधि की, ठीक है, लूप की पूरी परिधि की ये लंबाई होगी, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग ध्यान से, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, अब हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट अपान फोर पाई, म्यू नॉट अपान फोर पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू, देखिए सिग्मा डीएल के जगह पर हम इसको लिख देंगे टू पाई ए, टू पाई ए, तो टू पाई से फोर पाई कैंसिल हुआ तो टू बचा, यहां पर ए से ए के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, देखिए हमारा बचेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट आई अपान टू ए, ठीक है, ये हमारा बचेगा, और यही हो जाएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है। अब मान लीजिए जो कुंडली है इसमें फेरों की संख्या n है, यदि कुंडली में, देखिए यही आपका हो जाएगा लेकिन थोड़ा और लिख सकते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो, ठीक है, यदि मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या n है तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट आई के जगह पर लिख देंगे म्यू नॉट एन आई, ठीक है, एन आई अपान टू ए, जहां पर n है फेरों की संख्या, i क्या है धारा है, म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकशीलता है, और a क्या है, a है जो त्रिज्या आपकी, ठीक है, a क्या है, a है आपका त्रिज्या, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस डेरिवेशन को भी प्रूफ कर दिया, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था, अभी भी 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि हम टोटल 14 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 का, यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व का। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, 2×10⁻¹⁰ मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3×10⁶ मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी कि ये एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है 2×10⁻¹⁰ मीटर, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3×10⁶
मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, देखिए हमें जो दिया गया उसको पहले लिखेंगे। हमें सबसे पहले दिया गया है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग नोट करते हैं आर से। आर हमें कितना दिया गया है इसको ध्यान दीजिए, आर दिया गया है 2×10⁻¹ मीटर। ठीक है, ये हमें आर की वैल्यू दी गई है। उसके बाद में देखिए हमें क्या निकालना है, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चाल है वो 3×10⁶ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो v इक्वल टू है 3×10⁶ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड ये इलेक्ट्रॉन की चाल दी गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या दिया है हमें, अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश Q, ठीक है, वो कितना होता है, इसको हम E के बराबर भी लिख सकते हैं 1.6×10⁻¹ कूलम। ठीक है, ये हमारा इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6×10⁻¹ होता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम लगाएंगे वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि हमें वही निकालना है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा B इक्वल टू μ0/4π। ठीक है, μ0/4π इंटू qv sin थीटा अपान आर स्क्वायर। ये होगा फॉर्मूला वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपान फोर पाई की वैल्यू होती है 10⁻¹। ठीक है, ये होता है, क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू कितना है 1.6×10⁻¹ होता है। ठीक है, और वी की वैल्यू भी पता है, देखिए यहां पर 3×10⁶ है, 3×10⁶ है इंटू, देखिए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, देखिए इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहां पर साइन 90 डिग्री रख देंगे। ठीक है, साइन 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर है, नीचे आर की वैल्यू कितनी है 2×10⁻¹, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 2×10⁻¹ का स्क्वायर। ठीक है, हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 1.6×3 होगा तो ये कितना होगा 4.8, 16×3=48। ठीक है, इंटू ये 10⁻¹⁷ है, ये 19 है, तो माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 19 और 7 जुड़ेगा तो 10⁻¹⁶ हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये 10⁻⁶ ऑलरेडी है, इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 ऐसे ही रहने देंगे। नीचे देखेंगे हम, नीचे देखिए 2×² करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻¹⁰ करेंगे 10⁻¹⁶ हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो b इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए यहां पर 4×4.8 से काट देंगे तो 1.2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1.2×10⁻¹⁶ है, ये 6 है, तो देखिए 26 में से 6 जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 10⁻¹⁶ बचेगा, इंटू देखिए इस 10⁻¹⁶ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+¹० हो जाएगा, ये यानी कि 20 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा b इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1.2 इंटू, देखिए 10⁻¹⁰ से 10⁻¹⁰ है तो ये 10⁻⁰ हो जाएगा, और किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 है तो उसका, उसकी वैल्यू 1 मानते हैं, तो हमारा लास्ट में आएगा 1.2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1.2 टेस्ला आ जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, तो बी इक्वल टू हमारा आ गया 1.2 टेस्ला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल आपका लग चुका है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, v इक्वल टू μ0/4π×qv sin θ/r² बस आपका फॉर्मूला लग जाएगा, बस न्यूमेरिकल चुटकियों में लगेगा, सिर्फ ध्यान से समझना आपको जरूरी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमें 14 क्वेश्चन पढ़ने हैं और इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा। अब आपको ऐसे बड़े बड़े वीडियोज मैराथन क्लासेस देखने की जरूरत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर।
अब 11 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए और समझिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी कि दो लंबे सीधे तार हैं जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार है तो तार ऐसे होंगे सीधे सीधे, ये देखिए दोनों तार है, ठीक है। अब दोनों में अगर धारा की बात की जाए तो इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा है इस तार में भी, और इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी भी हमें दी गई है, कितना है देखिए ऊपर देखिए 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर 2.5 सेंटीमीटर रख देंगे। अब देखिए तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल हमें निकालना है, तो सबसे पहले जो कुछ दिया गया उसको लिखेंगे। देखिए हमें तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई, तो हमें L दी गई है लंबाई, ठीक है। कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम मीटर में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10/100 करना होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 10/100 करेंगे तो हमारा आंसर लास्ट में आएगा 10^-1 मीटर। अब ये आपका मीटर में बदल चुका है, ठीक है। तो अगर 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10/100 कर दीजिए। उसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहां पर कर देता हूं 10/100 हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10^10^2 लिख सकते हैं इसको, फिर लिखेंगे देखिए 100 को 10^2 लिख सकते हैं, फिर यहां पर 10^10^-2 लिखेंगे। अब देखिए 10 में से 10^-2 जाएगा तो 10^-1 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मीटर में इसको लिख सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए किया, इसको आप लोग अलग रखिएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए केवल है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में और भी कुछ चीजें हमें दी गई हैं, उसको भी लिख लेते हैं। देखिए अब देखिए यहां पर हमें धारा भी दी गई है। देखिए दोनों तारों में जो वैद्युत धारा बह रही है वो 5 एम्पीयर की बह रही है, तो एक को मान लेते हैं I1, एक को मान लेते हैं I2, दोनों में धाराएं बराबर हैं, यानी कि 5 एम्पीयर की धारा दोनों में बह रही है, तो यहां पर 5 एम्पीयर लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए 5 एम्पीयर हमने लिख दिया। अब क्या दिया गया है, हमें दोनों के बीच की दूरी दी गई है दोनों तारों की, यानी कि R भी हमें दिया गया है कितना 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे आप लोग बताइए, 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में हमारा कैसा होगा 2.5 × 10^-2 मीटर। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए यहां पर आप 10 के जगह पर 2.5 कर देंगे 100, अब ये 100 को 10^2 लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10^-2 हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने यहां पर कर दिया है, हो गया। इतनी चीजें दी गई है। अब हम निकालेंगे तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। तो तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा F अपान L इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट अपान टू पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपान टू पाई इंटू I1 I2 अपान R, ठीक है। ये हो जाएगा तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला, यानी कि अगर दो समांतर धारावाही चालक हैं, ठीक है, तो उनके बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला यही होगा, मैंने प्रूव भी करवाया था। अब देखिए F हमें निकालना है तो F को ऐसे रहने देंगे, L की वैल्यू हमें पता है ऊपर देखिए 10^-1, तो यहां पर इसके जगह पर लिख देंगे 10^-1 इक्वल टू μ0/2π की वैल्यू होती है, कितना होता है μ0/2π की वैल्यू 2×10^-7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। आप लिख सकते हैं लेकिन यहां पर मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। μ0/2π की वैल्यू होती है 2×10^-7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, इंटू I1 I2 की वैल्यू कितनी है, देखिए दोनों की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो इसको हम लिख देंगे 5×5 अपान R की वैल्यू कितनी है, देखिए 2.5×10^-2, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा है ये। तो F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये 2.5 है, इसको 2.5 मानते हैं, तो 2.5 का 5 को जब 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 का 2 से गुणा 4 और 4 का 5 से गुणा, 2×4=20, ठीक है। तो 20×10^-7 इंटू ये 10^-1 है, ये इधर चला आएगा, ठीक है।
तो जब इधर चलाएगा तो 10 की पावर माइनस 1 हम ऐसे लिख देंगे, इधर गुणे भाग में इधर गुणे में हो जाएगा अपान, नीचे होगा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो f इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 20 गुणे 10 की पावर माइनस 7 है, ये माइनस 1 है तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर प्लस 2 हो जाएगा, इतना हो गया। ध्यान से समझिए, अब देखिए f इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इस 20 को अगर 2 लिखना है तो क्या करेंगे, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 8 ठीक है इंटू 10 की पावर 2 है। देखिए 20 को मैंने 2 लिखा है तो 1 10 से यहां पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब 1 10 से गुणा होगा तो क्या होगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर मैंने 20 को 2 लिख दिया तो 1 10 बाहर निकलेगा तो 10 की पावर 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 10 की पावर 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो f इक्वल टू हमारा एटलीस्ट आ जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 8 है, ये 3 8 में से 3 जाएगा माइनस 5 न्यूटन ये बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बल। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का ये फॉर्मूला लग चुका है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं यहां पर कि अगर दो समान लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा वो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन होगा। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, और ये भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि इससे लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और जो क्वेश्चन मैं अब बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, यानी कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको बताने हैं, 2015 17 18 19 20 22 सब में ये आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनके दो नियम थे, सबसे पहला नियम तो सिंपल सा है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, बस यही है प्रथम नियम। ठीक है, यानी कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यही आपका फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, समझ में आया, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम नियम। द्वितीय नियम समझिए, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए द्वितीय नियम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि द्वितीय नियम में क्या है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो देखिए इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होगा, विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ये किसके बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को हम निरूपण करेंगे माइनस डेल्टा फाई से, क्योंकि ऋणात्मक दर है तो माइनस लगा देंगे, और ऋणात्मक दर का मतलब समय भी होगा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें जो होता है ई, वो चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। डेल्टा टी क्या है, समय दर है। ठीक है, तो इसी के ये बराबर होता है। अब कभी कभी कंडीशंस आते हैं, देखिए हम यहां पर जो इसकी समय दर है डेल्टा फाई, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन भी लिख सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये भी आपका हो सकता है डेल्टा फाई। ठीक है, और डेल्टा टी के जगह पर भी हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन भी कभी कभी हम लिखते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे आप माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिखें, चाहे इसको लिखें जो मैंने नीचे लिखा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या यानी हो, जो कुंडली है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या यन हो तो, यन हो तो, अगर कुंडली में फेरों की संख्या यन है तो इसी फॉर्मूले को जो ऊपर था ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू माइनस एन, एन क्या है, फेरों की संख्या, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो डेल्टा फाई है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि भूलिए ना आप लोग, डेल्टा फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद में डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है समय दर। ठीक है,
क्या है, समय दर है। ठीक है, बस ये भी हो गया। तो यही है द्वितीय नियम कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर, ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है और इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल आता रहता है उत्तरीय प्रश्नों में। देखिए एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध संधारित्र तथा प्रेरित कुंडली प्रेरण कुंडली एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनके सिरों के विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट 20 वोल्ट तथा 50 वोल्ट है। परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी 5-6 लाइन का न्यूमेरिकल, मैं तो डर गया। डर क्यों रहे हैं? डरना नहीं है आपको, डटकर सामना करना, कुछ नहीं है इसमें। देखिए हमें क्या दिया गया है, प्रतिरोध का, ठीक है, प्रतिरोध की वोल्टता दी गई है 40 वोल्ट क्रमशः देखिए दिया गया है, संधारित्र की वोल्टता दी गई है 20 वोल्ट और प्रेरण कुंडली की वोल्टता दी गई है 50 वोल्ट। ठीक है, जो दिया गया उसको लिखेंगे। तो देखिए प्रतिरोध की वोल्टता को हम क्या लिखेंगे, वी आर। ठीक है, आर का मतलब रेसिस्टेंस, वी का मतलब विभवांतर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वी आर, ये हमें दिया गया 40 वोल्ट। देखिए क्रमशः दिया गया, इसको लिख देंगे 40 वोल्ट। उसके बाद में देखिए ये 20 वोल्ट किसका है, संधारित्र का। तो संधारित्र को हम लिखते हैं धारिता को सी से, तो बी सी हो जाएगा, बी सी दिया गया हमें 20 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, इसके बाद हमें प्रेरण कुंडली दी गई है यानी कि VL हमें दिया गया है, VL हमें दिया गया है कितना 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परिणामी विभवांतर। ये कौन सा परिपथ है, आप लोग तो समझ गए होंगे कौन सा परिपथ है। देखिए इसमें प्रेरण, ये प्रेरण कुंडली भी है, उसके बाद में धारिता भी है और प्रतिरोध भी है, तो ये कौन सा परिपथ होगा, एल सी आर परिपथ। कौन सा, एल सी आर परिपथ, क्योंकि इसमें तीनों हैं। तो हम लिखेंगे यदि एल सी आर परिपथ का, एल सी आर परिपथ का नाम आपने सुना होगा जिसमें तीनों रहते हैं, ठीक है, परिपथ पर परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर वी हो, वी हो तो, ठीक है, अगर परिणामी विभवांतर V है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहले। अब देखिए क्या लिखेंगे, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला होगा। वी आर के जगह पर वी आर की वैल्यू रख देंगे, वी एल के जगह पर वी एल की और वी सी के जगह पर वी सी की, तो वी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ऐसे लगा देंगे। ठीक है, वी आर की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और प्लस वी एल की वैल्यू कितनी है, देखिए 50 वोल्ट, तो 50 कर देंगे, माइनस वी सी की वैल्यू है 20 वोल्ट, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आ जाएगा V इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। 40 का स्क्वायर करेंगे 40 का 1600 आएगा, ठीक है, प्लस 50 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 50 में से 20 पहले घटा देंगे, 30 हो जाएगा, 50 में से 20 जाएगा, 30 बचेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 1600 ये हो जाएगा आपका, और प्लस 30 का स्क्वायर 900 होगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे, यहां से हम V निकाल लिए, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1600 900 2500 हो जाएगा। ठीक है, अब 2500 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 50 × 50 इक्वल टू 2500। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा आंसर 50। ठीक है, कितना आ जाएगा 50 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया 50 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रतिरोध की वोल्टता, धारिता की वोल्टता और इसकी संधारित्र की वोल्टता और प्रेरण कुंडली की वोल्टता दी गई थी, तीनों को हमें ऐसे फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको चुटकियों में लगा देंगे, V इक्वल टू 50 वोल्ट आ गया। ठीक है, बस हो गया। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन था। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे लास्ट चैप्टर से होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर से, 8वें चैप्टर से। देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों की किन्हीं 4 तरंग प्रकार की तरंगों के नाम लिखिए, उनकी तरंगदैर्ध्य के औसत मान तथा कोई एक उपयोग लिखिए। यानी कि आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों की 4 तरंगों के नाम लिखना है, उनकी तरंगदैर्ध्य का औसत मान लिखना है और उपयोग लिखना। ठीक है, तो कुछ तरंगे हैं गामा तरंगे, एक्स तरंगे, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, ये सब जो है 4 तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की, इनका आपको पहले क्या लिखना है,
कि इन्हीं चार तरंगों के नाम लिखना है और इनकी तरंग दैर्ध्य और औसत मान लिखना है और उपयोग भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए गामा तरंगे, गामा तरंगों का जो औसत होता है वो आप देखिए, वो लगभग होता है 10^-14 मीटर, ठीक है, से 10^-10 मीटर तक। ठीक है, तो गामा तरंगों का जो औसत मान होता है, इनकी तरंग दैर्ध्य का जो औसत मान होता है वेवलेंथ का, वो लगभग 10^-14 मीटर से 10^-10 मीटर होता है। नोट कर लीजिएगा ध्यान से, इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग हम नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना के संबंध में, के संबंध में सूचना देने में उपयोगी, सूचना देने में उपयोगी ये है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहां है स्टूडेंट, नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में उपयोगी। इसकी तरंगदैर्ध्य का जो परास होता है कितना होता है, 10^-14 मीटर से 10^-10 मीटर तक। दूसरा है एक्स किरणें, ये भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की है, तो एक्स किरणों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो लगभग होता है 10^-11 मीटर से, मीटर से 3×10^-8 मीटर तक, मीटर तक। ठीक है, तो एक्स किरणों का जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 10^-11 मीटर से 3×10^-8 मीटर तक होता है। इसका उपयोग हम करते हैं चिकित्सा विभाग में सर्जरी, ठीक है, चिकित्सा विभाग में सर्जरी में उपयोगी, सर्जरी में उपयोगी। ठीक है, तो ये चिकित्सा विभाग में सर्जरी में उपयोगी होता है एक्स किरणें, आपको पता होगा। अब थर्ड नंबर देखिए पराबैंगनी किरणें, इनका तरंगदैर्ध्य लगभग कितना होता है, 10^-8 मीटर से, मीटर से 4×10^-7 मीटर तक। ठीक है, ये इनका तरंगदैर्ध्य लगभग होता है। इनका यूज कहां करते हैं, खाने की, खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, वस्तुओं के संरक्षण में, यानी कि उनको फड़ने से बचाने में, उनके संरक्षण में उपयोगी है ये चीज पराबैंगनी किरण। ठीक है, उपयोगी, तो ये होगी पराबैंगनी किरणें। लास्ट देखते हैं अवरक्त किरणें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो लगभग कितना होता है, 8×10^-7 मीटर से, मीटर से 5×10^-3 मीटर तक। ठीक है, ये लगभग इनका तरंगदैर्ध्य होता है। इनका उपयोग कहां करते हैं, देखिए कोहरे, कोहरे व धुंध, व धुंध के पार, के पार देखने में, देखने में उपयोगी, उप योगी। तो औरत किरणों का उपयोग है कोहरे व धुंध के पार देखने में उपयोगी। तो आपका क्वेश्चन था कि किन्हीं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों की किन्हीं चार तरंगों के नाम लिखिए, उनकी तरंगदैर्ध्य के औसत मान तथा कोई एक उपयोग लिखिए। तो देखिए सबसे पहले किरण है गामा किरण, इनका जो तरंगदैर्ध्य होता है लगभग 10^-14 मीटर से 10^-10 मीटर तक होता है। इनका उपयोग नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में करते हैं। दूसरा एक्स किरण, इनका तरंगदैर्ध्य लगभग 10^-11 मीटर से 3×10^-8 मीटर तक होता है। इसका उपयोग चिकित्सा विभाग में सर्जरी में करते हैं। तीसरा पराबैंगनी किरण, इनका तरंगदैर्ध्य लगभग 10^-8 मीटर से 4×10^-7 मीटर तक होता है। इनका उपयोग खाने की वस्तुओं के संरक्षण में करते हैं। चौथा अवरक्त किरण, इनका तरंगदैर्ध्य 8×10^-7 मीटर से 5×10^-3 मीटर तक होता है। इनका उपयोग कोहरे व धुंध के पार देखने में करते हैं। तो ये था हमारा 12th फिजिक्स के चैप्टर 8 का क्वेश्चन, ठीक है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन हमारा है ये किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर से है, यानी कि 9 नंबर चैप्टर से। देखिए
प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये आपको बताना है और इसके नियम बताने हैं। ये तो आप हाई स्कूल से ही पढ़ के आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा जो मन लगाकर पढ़ते थे। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो माध्यम में जाने पर इसका वेग और दिशा दोनों थोड़ा सा बदल जाएगी, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर चित्र समझिए, ये एक पृथक्कारी तल है, ठीक है, यानी कि इधर सघन माध्यम है ऊपर विरल माध्यम है। देखिए लिखा गया है ये इस लाइन के नीचे जो माध्यम है सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, दोनों पारदर्शी माध्यम है। अब देखिए प्रकाश आ रही है, आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब ये प्रकाश आई, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, देखिए किसी एक पारदर्शी माध्यम में देखिए दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो इसकी दिशा देखिए, इसको सीधी जाने चाहिए था लेकिन थोड़ा सा इसकी दिशा बदल गई है, ठीक है। तो इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन करेंगे और दिशा के साथ साथ इसका वेग भी बदल गया है। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वो तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, देखिए ये पृथक्कारी तल है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। अब देखिए ये आपतित किरण आई और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करने लगी इसकी दिशा थोड़ी सी बदल गई, तिरछी हो गई, तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है, समझ में आया, सघन माध्यम विरल माध्यम। अब इसके कुछ नियम है वो भी जान लेते हैं। पहला नियम देखिए, इसी चित्र से समझ में आ जाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहां पर आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है ये तीनों देखिए एक ही तल में है, पृथक्कारी तल में, ठीक है। तो ये पहला नियम हो जाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण देखिए ये और आप अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, ये आपका प्रथम नियम हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन का प्रथम नियम, ठीक है। दूसरा नियम देखिए, यहां पर ये एक कोण बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप लोग बताइए, इसको आपतन कोण बोलेंगे, ठीक है। ये आर जो बना है इसको अपवर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका आपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण आर है, ठीक है। तो दूसरा नियम भी इसी से रिलेटेड है, देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, ठीक है, साइन आपने सुना होगा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होता है। यानी कि किसी माध्यम के लिए, दो माध्यमों के लिए जो प्रकाश के लिए आपतन कोण की जो ज्या होगी और अपवर्तन कोण की जो ज्या होगी इसकी निष्पत्ति एक नियतांक होगी, निष्पत्ति का मतलब इसका अनुपात जो है वो एक नियतांक के बराबर होगा। अब समझेंगे कैसे, इसको तो भी जानना जरूरी है। देखिए इसका मतलब है साइन आई, यानी कि आपतन कोण की ज्या, साइन का मतलब ज्या, ठीक है, हिंदी में बताया गया अपान साइन आर, इन दोनों का जो क्या होगा, इन दोनों का जो निष्पत्ति होगी, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होगा, वो नियतांक होगा एन, ठीक है, क्या होगा एन, या आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, नियतांक लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दीजिए, नियतांक, ये एक नियतांक के बराबर होता है, बस हो गया, सिंपल सा है, क्या है, ये एक नियतांक के बराबर होता है। अब आप यहां पर n भी लिख सकते हैं, n नियतांक हो जाए, ठीक है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि जो आपतन कोण i है इसकी ज्या और अपवर्तन कोण r की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू नियतांक, ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है, कुछ है नहीं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये जो दूसरा नियम है इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। अगर आपसे डायरेक्टली आ जाए कि स्नेल का नियम लिखिए तो क्या करेंगे आप, ये लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था अपवर्तन और अपवर्तन का नियम, सिंपल सा है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है ये एक न्यूमेरिकल है जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, ना, तो आप लोगों को भी बताया था। देखिए क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर, यानी कि दो लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, ये दोनों लेंस जो है ये संपर्क में रखे हुए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको वी निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमें क्या क्या दिया गया इसको लिखिए। देखिए पहले हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। देखिए तो लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की
फोकस दूरी, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो F1 है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बताइए, इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी भी हमें दी गई है, तो यहां पर लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी जो दिया होता है उसको लिख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम एफ टू से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि दो लेंस है तो एफ वन एफ टू लिख देंगे, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है बताइए, 50 सेंटीमीटर, देखिए ऊपर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर हो गया। एक चीज और दिया गया उसको भी हम लिख लेंगे, देखिए अब देखिए दो लेंस की फोकस दूरी दी गई तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे, हमें पता है दोनों संपर्क में रखे हैं, देखिए क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला पता ही है, 1/f=1/f1+1/f2, लेकिन एक चीज और दिया गया उसको भी लिख लेते हैं, देखिए इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि युग्म से वस्तु की दूरी भी हमें दी गई है, युग्म से वस्तु की दूरी, देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने देखा नहीं, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम धनात्मक लेते हैं तो मैंने प्लस में लिखा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम ऋणात्मक लेते हैं तो यहां पर माइनस लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो मैंने 10 सेंटीमीटर प्लस में लिख दिया, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसको -50 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब युग्म से वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो युग्म से वस्तु की दूरी है, अब चूंकि ये कितना लिखेंगे -25 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हम क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं, ठीक है, तो -25 सेंटीमीटर है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें यहां पर लेंस का सूत्र अगर लगाना है क्योंकि हमें वी निकालना है, ठीक है, वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, क्या निकालना है हमें, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी लिख दीजिए, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे वी से, किससे डिनोट करेंगे वी से, ये हमें निकालना है। तो भैया अगर हमें लेंस का सूत्र लगाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एफ निकालना होगा, अब चूंकि यहां पर दो एफ दिए गए हैं, देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f=1/v-1/u, तो u तो दिया गया है, v हमें निकालना है, लेकिन एफ हमें निकालना होगा, तो दो लेंस है तो दोनों लेंस संपर्क में रखें, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को संपर्क में जोड़ लेंगे, तो लिखेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त बताइए आप लोग, 1/f=1/f होता है 1/f1+1/f2, ये पता है सबको, देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी इतनी ही होती है, ध्यान रखिएगा। अब इस पर हम वैल्यू रख देंगे, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 1/f1 की वैल्यू मैंने बताया, देखिए ऊपर ध्यान दे देते हैं, 10 सेंटीमीटर, f2 की वैल्यू है -50 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे, तो 1/10 सेंटीमीटर प्लस 1/ इसको -50 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी एक काम और करेंगे हम, 1/f=2 कर देंगे, देखिए 1/10 तो ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब प्लस माइनस मिलकर माइनस कर देंगे यहां पर, देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 1/50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक, सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सॉल्व करेंगे तभी काम होगा, तो 1/f=2 हमारा हो जाएगा, देखिए ये 10 और 50 का एलसीएम ले लेंगे, बताइए कितना आएगा, 10 और 50 का एलसीएम आएगा 50, ठीक है, कितना आएगा, ये भी 50 ही आएगा, चाहे आप लेकर देख लीजिए, तो 10 5 जा 50 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस 51 जा 50 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, राइटिंग और अच्छे से, तो 5 में से 1 जाएगा 4/50 हो जाएगा, ठीक है, इसको कट करेंगे कितना आएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 और 25 2 जा 50, तो 2/25 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/f=2 हो जाएगा 2/25, ठीक है। अब इसको अगर हम f=2 लिखें, लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम ऐसे ही रहने देते हैं, 1/f ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमें जो लेंस का सूत्र लगाना है उसमें हमें 1/f ही लेना होगा, ठीक है, तो 1/f की वैल्यू हमारी इतनी आ गई।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम, या इफ इक्वल टू आप 25/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा निकला नहीं है, हमें निकालना है वी, तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र, ठीक है। तो लेंस का सूत्र क्या है मेरे दोस्त, सभी को बता, छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे जो हाई स्कूल पास हैं। देखिए लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, 1/v - 1/u, इस प्रकार से होता है, सभी को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेंस का सूत्र है, ठीक है। अब यहां से हम 1/f की वैल्यू हमें पता है, बताइए कितना होगा, आप ही लोग बताइए। देखिए 1/f, देखिए हमें v निकालना है, तो एक काम करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है, क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1/v = देखिए ये 1/u माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1/f + 1/u ये हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने इसको इधर लिख दिया, ठीक है, 1/b = 1/f + 1/u हो जाएगा। चलिए इस पर वैल्यू रखते हैं, देखिए 1/v, ये हमें v निकालना है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे रहने देंगे। 1/f की वैल्यू कितनी है, चलिए देखते हैं, नीचे हमने निकाला था 2/25 यानी कि 2/25, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/25, ठीक है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, u की वैल्यू ये देखिए ऊपर मैंने लिखा था, ये देखिए -25 cm, तो यहां पर रख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे -25, ये हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका वो, तो 1/v = हमारा हो जाएगा 2/25, ठीक है, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो -1/25। अब तो सभी को पता होगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए नीचे हर बराबर है तो ऊपर दोनों आपस में घट जाएंगे, देखिए हर बराबर है तो ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगा तो घटा देंगे, दो में से एक जाएगा, एक हो जाएगा, 1/25 आ जाएगा। तो अगर यहां पर v = हम निकालेंगे तो क्या होगा, v का एक से गुणा होगा तो v त्रिशा गुणा कर देंगे कैची, और 25 का एक से होगा तो 25 cm, ठीक है, तो v = 25 cm हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही क्या है हमारा, यही है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यही है 25 cm, ठीक है, निकल गया। बस यहां पर हम कह सकते हैं कि एक उत्तल लेंस, अगर एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 cm व 50 cm है, तो दोनों लेंस संपर्क में अगर रखे हैं तो इस युग्म से 25 cm की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 25 cm हो जाएगी। बस हो गया, कुछ नहीं है, पहले आपको क्या करना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल देनी है, फिर आपको लेंस का सूत्र लगा देना है, बस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा भी, चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो हमारा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, देखिए व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए, इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूं, कुछ है नहीं इसमें, इसमें अंतर आप लोग लिख दीजिएगा, कोई 3 अंतर आ सकता है, कोई 2 अंतर आ सकता है, तो सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए व्यतिकरण और विवर्तन दोनों को मैंने लिख दिया। पहला को देखिए, यह घटना दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककारी तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिमाण है, यानी कि व्यतिकरण जो है ये घटना जो है दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। दूसरा देखिए विवर्तन में, यह घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। पहला डिफरेंस। दूसरा देखिए, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजे एक समान तीव्रता की होती हैं, यानी कि व्यतिकरण में जो सभी दीप्त फ्रिंजे होती हैं वो एक समान तीव्रता की होती हैं, जबकि विवर्तन में इसमें सभी दीप्त फ्रिंजे विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं, ठीक है, ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा देखिए, इसमें सभी फ्रिंजे समान चौड़ाई की होती हैं, व्यतिकरण में जितने भी फ्रिंजे होंगी वो समान चौड़ाई की होंगी, लेकिन विवर्तन में सभी फ्रिंजे समान चौड़ाई की नहीं होती, बस हो गया। चौथा देखिए, इसमें निम्निष्ट प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं और इसमें ऐसा नहीं होता। तो 4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, इसमें मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, बस आपको सिर्फ बता रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान याद कर लीजिएगा बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, इसको समझ के जाइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि दो तरंग है जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालिए। तो दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 1:9, तो तरंगों की तीव्रता को डिनोट करते हैं आई से, तो दो तरंग है तो I1/I2, ठीक है, दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो है 1:9, ठीक है,
अनुपात दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा, तरंग प्रकाश की चैप्टर से ये न्यूमेरिकल है और ये बहुत कई बार आ चुका है, तो इस बार भी आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर क्या है, अब हमें पता है कि जो तीव्रता होती है, ठीक है, तीव्रता जो होती है आई वन अपान आई टू, तो ये किसके बराबर होती है, ये आयामों के वर्ग के बराबर होते हैं। तो ए वन स्क्वायर हो जाएगा पहले तरंग का आयाम, ए वन स्क्वायर अपान दूसरे तरंग का आयाम हो जाएगा ए टू स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बराबर होती है। यानी कि अगर देखा जाए आई इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहां पर दो तरंग है, तो आई वन अपान आई टू इक्वल टू ए वन स्क्वायर अपान ए टू स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं ए वन स्क्वायर अपान ए टू स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ए टू स्क्वायर इक्वल टू आई वन अपान आई टू लिखेंगे, इधर आई वन अपान आई टू की वैल्यू 1:9 लिख देंगे इसके जगह पर, देखिए आई वन अपान आई टू की जगह पर 1:9 हमने लिख दिया, थोड़ा इधर उधर कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो इसमें से स्क्वायर हटा देते हैं ए वन अपान ए टू कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा अंडर रूट लग जाएगा 1/9, ठीक है, हो गया, ठीक। अब देखिए इसका अंडर रूट जब करेंगे तो ए वन अपान ए टू इक्वल टू हमारा आएगा 1/3, इसका अंडर रूट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, ए वन की वैल्यू निकालें कि ए टू की वैल्यू निकालें, आप लोग बताइए, यहां से हम ए वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा ए टू, ये ए टू इधर चला जाएगा तो ए टू अपान थ्री हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ए टू अपान थ्री, ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो ए वन की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब यहां पर एक फॉर्मूला हमें लगाना है, क्या देखिए व्यतिकरण में जो होता है आई मैक्स अपान आई मिन, ठीक है, यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता, तो आई मैक्स का जो फॉर्मूला होता है आई मैक्स, ठीक है, वो किसके बराबर होता है ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर, ठीक है, और जो आई मिनिमम होता है, आई मिनिमम यानी कि न्यूनतम तीव्रता, वो बराबर होती है ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर ये होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, महत्तम तीव्रता, ठीक है, महत्तम लिखिएगा, महत्तम तीव्रता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई मैक्स से, किससे, आई मैक्स, ठीक है, और अपान, इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है तो इसमें न्यूनतम तीव्रता कर देंगे, न्यूनतम तीव्रता, ठीक है, आई मिन, आई मिन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए वन प्लस ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर, ठीक है, ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर अपान ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पर रख देंगे, हमारा निकल जाएगा ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है, तो लिखेंगे आई मैक्स, साइड में कर देता हूं, आई मैक्स अपान आई मिन, ठीक है, अब ऐसे निकालते हम चले जाएंगे, आई मिन इक्वल टू, देखिए ए वन की वैल्यू कितनी है, हमने अभी नीचे निकाला था, देखिए ऊपर ये ए वन की वैल्यू ए टू बाई थ्री है, तो ए वन की जगह पर हम लिख देंगे ए टू बाई थ्री, क्या लिखेंगे ए टू अपान थ्री, ठीक है, और प्लस ए टू आपका ऑलरेडी है तो ए टू रहेगा, इसका स्क्वायर तो हम करते चलेंगे क्योंकि स्क्वायर बहुत जरूरी है, ठीक है, स्क्वायर के बिना काम होगा नहीं, तो स्क्वायर कर देंगे अपान, नीचे देखिए ए वन माइनस ए टू है तो ए वन की जगह पर वही रखेंगे ए टू अपान थ्री, यहां पर माइनस कर देंगे ए टू, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू, देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, थ्री इसके नीचे एक हम मान ही सकते हैं, देखिए एक मान लिया हमने तो थ्री हो जाएगा, ऊपर ए टू हो जाएगा और प्लस वन का थ्री से तो थ्री वन जा थ्री, थ्री ए टू हो जाएगा, थ्री ए टू, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, फिर नीचे भी वही हो जाएगा ए टू माइनस में हो जाएगा ए टू, देखिए ए टू माइनस क्या हो जाएगा थ्री ए वन, थ्री ए टू, ठीक है, अपान थ्री, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए सब आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक। देखिए आई मैक्स अपान
आई मीन, यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता, ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करना है हमें, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए टू अपान ए टू प्लस थ्री ए टू अपान थ्री, ठीक है, अपान ए टू माइनस थ्री ए टू अपान थ्री, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं पूरे का स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थ्री से थ्री हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, उसी को लिख देंगे, ठीक है। तो आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ से आप फार्मूला लिख सकते हैं, चाहे आप पूरे का स्क्वायर कीजिए और चाहे एक एक का कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहां पर ए टू और थ्री ए टू मिलकर क्या हो जाएंगे, ये फोर ए टू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फोर ए टू, ठीक है, थ्री ए टू और टू और वन ए टू, फोर ए टू अपान, ये देखिए थ्री में से एक जाएगा, तो ये माइनस टू ए टू आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए थ्री ए टू में से एक ए टू जाएगा, तो माइनस थ्री ए टू, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू, देखिए फोर ए टू का स्क्वायर करेंगे, ए टू से ए टू आप कैंसिल भी कर सकते हैं, देखिए कर दिया, ठीक है, फोर का स्क्वायर करेंगे सिक्सटीन आ जाएगा, और माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो माइनस टू इंटू माइनस टू इक्वल टू फोर, ठीक है, हो गया ना। अब इसको कट कर देंगे, फोर अंजा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा, देखिए आई मैक्स अपान आई मीन इक्वल टू फोर अपान वन, फोर अपान वन, ठीक है। अब इसका रेशियो हमारा आ गया फोर रेशियो वन, आई मैक्स रेशियो आई मीन इक्वल टू हमारा हो जाएगा फोर रेशियो वन, फोर रेशियो वन, ठीक है, बराबर थोड़ा नीचे लगाइएगा यहां पर, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों का रेशियो निकल आया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको यहां पर, ठीक है, जब महत्तम तीव्रता और इसका लगाएं फॉर्मूला, तो चाहे आप ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर अपान ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर लिखें, चाहे ऐसे आप पूरे का स्क्वायर लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया, हमारा लास्ट में फोर रेशियो वन आंसर आ गया, बस हो गया, तीसरा चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फाइव नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टेंथ चैप्टर तरंग प्रकाश की का। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूं। देखिए प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखिए समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, तो माध्यमों के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ न्यूनतम यानी कि शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आगे देखिए, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, तथा जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जहां जहां जो व्यतिकरण है, ठीक है, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होगी उस उन स्थानों पर जो व्यतिकरण होगा उसे विनाशी व्यतिकरण कहेंगे, और जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होगी उस स्थान पर जो व्यतिकरण होगा उसे संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। बस हो गया, ठीक है, व्यतिकरण समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है, प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। इसके लिए कुछ प्रतिबंध है, चलिए उसको भी देखते हैं, आवश्यक कुछ शर्तें हैं। तो देखिए यहां पर हेडिंग है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निम्न है। फर्स्ट क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ साथ स्थिर रहना चाहिए। दूसरा क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अर्थात अथवा तरंगदैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ये शर्त है। तीसरा देखिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। चौथा है, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में चलें और फ्रिंजे अधिक चौड़ी बने, ठीक है। और पांचवा है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। तो कि ये कुछ शर्तें हैं, अगर ये सब रहेंगी तभी प्रकाश का व्यतिकरण हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली लिखना होगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है। चैप्टर का नाम क्या है बताइए, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 11 नंबर चैप्टर। देखिए न्यूमेरिकल है जो लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। देखिए
तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू 5×10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यानी कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया गया है, ठीक है, 5×10⁻⁷ मीटर, इसके फोटॉन की ऊर्जा का मान आपको किसमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सबसे पहले हमें तरंग दैर्ध्य दिया गया लिख लेंगे, जो दिया गया भैया उसको लिखना जरूर है, भूलना नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो यहां तक पढ़े होंगे, अभी वीडियो देख रहे होंगे, उनको नींद आ रही होगी, लेकिन नींद को त्यागो, क्योंकि नींद आलस्य ये सब आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। यहां पर इसका वैल्यू दिया गया 5×10⁻⁷ मीटर, ठीक है, इतना दिया गया है। अब सिंपल सा है, फोटॉन की ऊर्जा हमें निकालनी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ई से। ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा एच म्यू, ये फॉर्मूला होता है। म्यू क्या है, आवृत्ति है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है प्लांक नियतांक की, 6.6×10⁻¹, ठीक है। अब यहां पर हम इसको निकाल लेंगे, तो ई इक्वल टू हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं एच, क्योंकि म्यू इक्वल टू हमारा, देखिए म्यू जो आवृत्ति है, म्यू इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा, ये भी होता है सी अपान लैम्डा, आपने सुना होगा प्रकाश की चाल अपान तरंग दैर्ध्य, सी है प्रकाश की चाल, ठीक है, तो म्यू की जगह पर लिख देंगे सी अपान लैम्डा, तो ये हमारा ई इक्वल टू फॉर्मूला आ गया एच सी अपान लैम्डा, ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, तो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए एच की वैल्यू कितनी दी गई है प्लांक नियतांक 6.6×10⁻¹, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू है 3×10⁸, ठीक है, अपान लैम्डा की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, देखिए 5×10⁻⁷, ये हो गया, ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं, सिंपल सा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें समझना होगा, ठीक है, तभी काम होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है, सबसे अच्छा काम है, 6.6×3 से गुणा कर देंगे। यहां पर एक चीज और है, पहले जोड़ घटाव हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। देखिए क्या है, 34 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 34 में से 8, तो इसको हम 6.6×3 को इधर साइड में रखते हैं, इंटू 10⁻¹⁴ है, ये 8 है, तो 34 में से 8 गया, कितना बचा बताइए, 8×6=14, यानी कि 10⁻¹⁶ बचेगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁷ है, ऊपर ले जाएंगे 10⁻+7 हो जाएगा अपान, ठीक है, ये हो जाएगा 5 नीचे बचेगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि गुणा करना भी जरूरी है, तो कैसे करेंगे, देखिए इसको गुणा के लिए 3×6=18, 8 हो जाएगा 10, ठीक है, 3×6=18 और 1×19, ये हो जाएगा, ठीक है, 19.8 गुणे 10⁻¹⁶ है, ये 7 है, तो कितना होगा 10⁻¹⁶ में से 7 जाएगा, तो 19 बचेगा, सिंपल सा है, अपान 5 ऐसे ही रहेगा, कट कर देंगे भैया, कट करना जो जरूरी है, तो इसको कट करेंगे 19.8 को 5 से, तो हमारा हो जाएगा ये 3.96, इतना आ जाएगा लगभग, ठीक है, लगभग, तो ईच इक्वल टू हमारा आ गया 3.96×10⁻¹⁹ जूल, ठीक है, ये जूल में आ गया लगभग। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए हम ई इक्वल टू, हमें अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है जूल को, तो कैसे करेंगे, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है 1.6×10⁻¹⁹, तो यहां पर क्या करेंगे 3.96×10⁻¹⁹ जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसको भाग दे दीजिए 1.6×10⁻¹⁹ से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ होता है, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1.6 से ये 3.96 है, तो इसको लिख देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, E इक्वल टू 3.96×1.6, कट कीजिए इसको, कट करेंगे आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए, तो आएगा 2.475, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, तो यहां पर E इक्वल टू हमारा आ गया कितना 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ठीक, बस हो गया, लो भैया सॉल्व हो गया, कुछ है इसमें, कुछ नहीं, हलवा है बिल्कुल खा लो, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू अगर 5×10⁻⁷ मीटर है, तो फोटॉन की ऊर्जा का जो मान होगा वो 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है, मैंने यहां पर निकाल भी दिया है, देखिए, ठीक है, बस हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो 7 नंबर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमारे इसी चैप्टर से है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, आप लोगों ने ये नियम शायद पढ़ा होगा। देखिए क्या है,
प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। देखिए विकिरण एवं द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति है ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लघुत्तरीय प्रश्न इससे बहुत आते हैं। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बोलिए या प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलिए, तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है? देखिए जब किसी धातु की सतह पर, ये देखिए जैसे ये मान लीजिए धातु की सतह है, ठीक है ये धातु की सतह है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का कोई आवेश आपतित होता है तो क्या होता है, इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलने लगते हैं, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे बताइए, उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये देखिए अब ऐसे पूछा जाए देहली आवृत्त क्या है, तो ऐसे आप कह सकते हैं आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्त कहलाएगी। कोई पूछे देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, तो देखिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। अगर पूछा जाए कार्य फलन क्या है, तो देखिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो कार्य फलन कहलाएगा। देखिए सिंपल सा है, कुछ है नहीं। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, देखिए ये आपका एक धातु की सतह है, तो आपतित प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर कोई आपतित प्रकाश आता है इस पर पड़ता है तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, इसको हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। लेकिन इसके कुछ शर्त हैं, कुछ इसके नियम हैं, वो आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे पहला देखिए, देखिए किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जितनी तेज प्रकाश की तीव्रता, जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी, जितनी तेजी के साथ वह धातु की सतह पर गिरेगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, बस हो गया। दूसरा देखिए, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, यानी कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करेगी। तीसरा देखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है। चौथा देखिए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जो प्रकाश आकर सतह पर गिरा है अगर इसकी आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु की सतह से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। पांचवा देखिए हमारा क्या है, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय व्यस्तता नहीं होती, यानी कि जैसे ही ये प्रकाश इस धातु की सतह पर पड़ेगा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। अब इस प्रकाश के गिरने और इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच कोई समय व्यस्तता नहीं होती, यानी कि तुरंत ही ये निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था, हो गया, ये भी सिंपल सा है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। अब देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी चैप्टर से, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, यानी कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं ये जानना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। मैटर वेव्स क्या होती है, द्रव्य तरंगे, तो देखिए सिंपल सा पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। देखिए सन 1922 में डी ब्रोगली ने विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों का पृथक रूप में न मानकर तरंग पद्धति से समन्वित माना जाए, ठीक है। उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण चलता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है, यानी कि कोई कण जब चलता है तो वो भी एक वेव की भांति व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन और जर्मन ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। उन्होंने स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन के किरणपुंज का विवर्तन देखा जा सकता है जो एक तरंग का गुण है, ठीक है। अतः द्वैती प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि यह द्रव्य कणों में भी होती है, यानी कि द्वैत प्रकृति जो है ये सिर्फ प्रकाश में ही नहीं द्रव्य तरंगों में भी होती, द्रव्य कणों में भी होती है। अतः गतिमान द्रव्य कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि से तरंगे संबद्ध होती हैं। इस तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, यानी कि गतिमान द्रव्य कणों से तरंग संबद्ध होती है। जो गतिमान द्रव्य कण होते हैं वो भी एक तरंग इसकी भांति व्यवहार करते हैं, इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, यानी कि द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होगी, जो उनका वेवलेंथ होगा वो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का। तो देखिए द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त, मैंने बताया था आप लोगों को लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बताइए आप लोग। देखिए डी ब्रोग, ऐसे हम हेडिंग छोटा सा डाल देंगे, जानना जरूरी है, ठीक है। फोटॉन से बद डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य
तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, किससे, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा एच अपान पी, ये लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, इसका फॉर्मूला था डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का, याद रखिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर एच क्या है, एच है प्लांक नियतांक, पी क्या है, पी है संवेग। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, चूंकि देखिए चूंकि P इक्वल टू हमारा एम बी भी होता है, P संवेग जो होता है, ठीक है, वो एम बी के बराबर भी होता है, एम बी, ठीक है, एम क्या है द्रव्यमान, V है वेग, इसके बराबर होता है। तो हम लैम्डा इक्वल टू एक और फॉर्मूला बना सकते हैं मेरे दोस्त, लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए यहां पर P के जगह पर एम बी रख देंगे तो हमारा हो जाएगा एच अपान लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, ठीक है, एच अपान एम बी हो गया, ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या कौन है देख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, एच है प्लांक नियतांक, लिख लीजिए, पी है संवेग। अब यहां पर पी इक्वल टू एम बी होता है, एम क्या है कण का द्रव्यमान, वी है कण का वेग, तो लैम्डा एच अपान एम बी हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, यही डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट चैप्टर परमाणु से, देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना क्या होती है, इसको आप लोगों को बताना है, यानी कि आप लोगों को इसको पढ़ना है, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, यही इकलौता क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं इसमें नहीं बताऊंगा, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जाइएगा, ये हमारे नाभिक चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए, इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसका मान आपको किलोग्राम में भी व्यक्त करना है और MeV में भी व्यक्त करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए क्या है, देखिए मूल कणों नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, ये जो मूल कण होते हैं नाभिक होते हैं परमाणु होता है, इसका द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है जिसको परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कहते हैं, यानी कि मूल कण नाभिक परमाणु इनका जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, तो इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक छोटा मात्रक रखा गया जिसको AMU बोलते हैं। एक AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि एक AMU इक्वल टू क्या होगा 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम में एक AMU का वैल्यू इतना होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब MeV में क्या होगा इसकी वैल्यू, एक AMU इक्वल टू हो जाएगा 1 AMU, डॉट डॉट लगा दीजिएगा ऐसे, ठीक है, एक AMU इक्वल टू हो जाएगा 931 MeV, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक AMU अगर किलोग्राम में देखा जाए तो 1.66 × 10⁻²⁷ के बराबर होगा, अगर इसको हम देखें MeV में तो ये होगा 931 MeV के बराबर, ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, द्रव्यमान क्षति क्या होता है बताइए। तो देखिए नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर योग से सदैव कुछ कम होता है, द्रव्यमानों का यह अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है, यानी कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है, कुछ कम होता है, यानी कि किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से सदैव ये कम होता है, इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, यानी कि द्रव्यमानों का जो यह अंतर होता है डिफरेंस होता है इसको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है जानना, ठीक है, तो लिखेंगे द्रव्यमान क्षति इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग, प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, और इसमें से क्या कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए नाभिक का द्रव्यमान, मैं साइड में लिख देता हूं नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, ये इसके योग के बराबर, योग के सदैव कुछ कम होता है। तो द्रव्यमान क्षति क्या है, मैंने बताया आपको कि देखिए किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान, ठीक है, का योग जो होता है,
वो लगभग किसके बराबर होता है, नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है इसको जोड़ देंगे, उसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे तो द्रव्यमान क्षति आ जाएगा कि हाँ इतना द्रव्यमान क्षति हुआ है। ठीक है, तो ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है 12 नंबर, शायद मैंने 11 ही कहा था लेकिन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाम सुना होगा, पढ़ लेते हैं क्योंकि ये तीन चार बार आ चुका है बोर्ड में। तो देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, देखिए संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रकार इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। यानी नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, लेकिन भैया एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो समझ में आएगा नहीं, तो उदाहरण देख लेते हैं इसका। ठीक है, उदाहरण ऐसे डालेंगे हेडिंग प्यारा सा और लिखेंगे थोड़ा सा हम। ठीक है, लिखेंगे भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम, या इसी को हम ड्यूटीरियम भी बोलते हैं, ड्यूटीरियम। इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त, इसका फॉर्मूला होगा 1H2, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा के दो नाभिक के दो नाभिकों नाभिकों के संलयन से के संलयन को संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए नाभिकीय संलयन होगा अभी, इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं इसको जानना जरूरी है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम जो 1H2 है, 1H2, ठीक है, इसके दो नाभिक ले लेंगे, 1H2 प्लस 1H2। ठीक है, ऐसे ले लिया हमने, इन दोनों ये दोनों आपस में नाभिकीय संलयन करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। इसमें आपका बन जाएगा 1H3 प्लस, देखिए 1H यहां से एक हमने ले लिया तो 1H3 ये हो गया, 2 में एक जोड़ दिया, यहां पर बचा क्या 1H1 बचा, तो 1H1 बचेगा। ठीक है, और प्लस कुछ ऊर्जा निकलेगी, लगभग 40 MeV, 4 MeV की ऊर्जा निकलेगी, 4 MeV ये ऊर्जा इसमें निकलेगी। ठीक है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन है, इसका नाम है ड्यूटीरियम, दोनों का नाम ड्यूटीरियम है तो दोनों का लिख दीजिएगा ड्यूटीरियम। ठीक है, दो नाभिक है इसके तो दोनों ड्यूटीरियम हो जाएगा। ये क्या है, ये है ट्राइटियम, इसका नाम है ट्राइटियम क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन ऊपर है। ठीक है, तो ट्राइटियम कर देंगे इसको। और ये क्या है, ये तो हाइड्रोजन है, सभी को पता है हाइड्रोजन। और ये जो 4 MeV निकला है ये ऊर्जा है, क्या है ऊर्जा है, तो ये नाभिकीय संलयन होगा। यानी कि देखिए क्या कहा गया, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहां पर ड्यूटीरियम के दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ गए, आपस में इन्होंने नाभिकीय संलयन किया तो ट्राइटियम हाइड्रोजन और ऊर्जा बना। ठीक है, ट्राइटियम बना तो ये एक भारी नाभिक बन गया, इसी को नाभिकीय संलयन बोलेंगे। ठीक है, तो हो गया, बस यही हमारा क्वेश्चन था, ये था हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन।